तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट के ऊपर. नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7. अ मेटल बार 50x50 mm इन क्रॉस सेक्शन. सो एक मेटल बार है, क्रॉस सेक्शन कितना है उसका 50x50. इट मींस इट इज ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन. तो 50x50 क्या शो कर रहा है आपको कि ये जो मेटल बार है दैट इज ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन. सिविल स्टूडेंट विच लाइन? शॉर्ट ब्रेक लाइन. वेरी गुड. सो मेटल बार 50x50 mm इन क्रॉस सेक्शन. सो दिस इज 50, दिस इज ऑल्सो 50. सो 50x50 mm इन क्रॉस सेक्शन. सो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है आपको कितना 50x50, दैट इज इक्वल टू 2500 mm2. इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 500 kN. तो इसके ऊपर कौन सा लोड है बेटा अवेलेबल? एक्सियल कंप्रेसिव लोड. कंप्रेसिव लोड की वजह से लेंथ क्या होना चाहिए? वेरी गुड, डिक्रीज होना चाहिए. तो ये जो लोड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ए कंप्रेसिव लोड. तो ये कंप्रेसिव लोड क्या करेगा बेटा? इसकी लेंथ डिक्रीज करेगा. ओके सो कितना है लोड? 500 kN. बट मैं इसे माइनस ले रहा हूं. क्यों? यस, तो टेंजाइल को हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करते हैं और कंप्रेसिव को हम लोग नेगेटिव अज्यूम करते हैं. समझ में आया सभी को? सो टेंजाइल पॉजिटिव, कंप्रेसिव नेगेटिव. व्हाई कंप्रेसिव नेगेटिव? बिकॉज कंप्रेसिव लोड क्या करेगा? लेंथ को डिक्रीज करेगा. सो डिक्रीमेंट इन द लेंथ वी डिनोट बाय नेगेटिव साइन एंड इंक्रीमेंट इन द लेंथ पॉजिटिव साइन. ओके सो -500 × 10³ kN is converted into Newton. The contraction of a 200 mm gauge length. तो गेज लेंथ कितना है बेटा? गेज लेंथ कितना है? 200. तो जो ओरिजिनल लेंथ जो है आपके मेंबर की कितना है? 200 mm. सो द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ए 200 mm गेज लेंथ इज फाउंड टू बी 0.5 mm. तो 0.5 mm क्या है? लोड लगाने के बाद में 200 mm गेज लेंथ में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है. क्योंकि लोड कौन सा है? कंप्रेसिव लोड. तो कंप्रेसिव लोड की वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन और इलोंगेशन? कॉन्ट्रेक्शन होगा. तो कॉन्ट्रेक्शन कितना दिया हुआ है आपको? 0.5. तो कॉन्ट्रेक्शन हो चाहे इलोंगेशन हो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एल. तो इसे भी मैं क्या दूंगा? माइनस. माइनस साइन क्यू? कॉन्ट्रेक्शन. सो कॉन्ट्रेक्शन मीन्स डिक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इज शोन बाय नेगेटिव साइन. इलोंगेशन, इलोंगेशन मीन्स इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट इज शोन बाय पॉजिटिव साइन. तो नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है, समझ में आएगा सभी को? यस. कॉन्ट्रैक्शन है, कॉम्प्रेक्शन है तो आपको नेगेटिव लेना है. इलोंगेशन है, एक्सपांशन है, एक्सटेंशन है तो आपको पॉजिटिव लेना है. आगे इंक्रीज इन थिकनेस 0.04 mm. इंक्रीज इन थिकनेस मतलब चेंज इन थिकनेस कितना है? तो इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव? इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. तो इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ जैसे हम लोग डेल्टा एल से शो करते हैं तो वैसे ही हम लोग इंक्रीज इन थिकनेस, डिक्रीज इन थिकनेस किससे शो करेंगे? डेल्टा टी से. तो डेल्टा सिंबल रिप्रेजेंट्स चेंज. तो चेंज इन थिकनेस मतलब चाहे वो इंक्रीज हो रही हो चाहे डिक्रीज हो रही हो हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इंक्रीज इन थिकनेस कितना है? 0.04 mm. फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो. फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस को हम लोग ई बोलेंगे एंड पॉइजन्स रेशियो को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? म्यू. यू नहीं, म्यू. ओके सो यू बोलेंगे हम लोग किसको? पॉइजन्स रेशियो को. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यस और नो? ओके तो अब देखेंगे टास्क हमारे पास में जो है ई कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. तो ई का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यंग्स मॉडुलस.
So Young's modulus is defined as, Young's modulus E is defined as the ratio of stress to the, मतलब आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन चाहिए, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा स्ट्रेस. सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट. तो आपके पास में लोड भी है, आपके पास में एरिया भी, तो स्ट्रेस निकाल सकते हैं. उसके बाद में क्या चाहिए आपको बेटा? स्ट्रेन. सो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो आपके पास में चेंज इन लेंथ भी है, ओरिजिनल लेंथ भी है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको स्ट्रेन. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यंग्स मॉडुलस. तो चलो फाइंड आउट करो सबसे पहले स्ट्रेस. चलो ऑनलाइन स्टूडेंट, स्ट्रेस फाइंड आउट करके आपको चार्ट बॉक्स में आपका आंसर टाइप करना है बेटा. स्ट्रेस इज 200, ओके.
Now let us continue. चलो आंसर चेक कर लेते बेटा हम लोग. स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड है माइनस 500 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय एरिया है 2500. तो स्ट्रेस कितना मिल रहा है? माइनस 200. यस और नो? ओके, माइनस 200 रुपीज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. नेक्स्ट स्ट्रेन. चेंज इन लेंथ इज 0.04 बट प्लस और माइनस, सॉरी माइनस 0.5. तो चेंज इन लेंथ इज माइनस 0.5, ओरिजिनल लेंथ इज 200. सो इट इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर रुपीज. देखो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोल रहे. स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता है. स्ट्रेन हैज नो यूनिट. सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सो स्ट्रेस इज माइनस 200 एंड स्ट्रेन इज माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? 80 इंटू 10 टू द पावर 3 एमपीए और एमपीए और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. तो ये हुआ यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब क्या निकालना है बेटा आपको? पॉइजन्स रेशियो. सो पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन. पढ़ा है हम लोगों ने ये? ओके. तो जब तक आप पूरा बेसिक नहीं पढ़ोगे, जैसे कि डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला, यूनिट, यूनिट कन्वर्शन, तब तक आप लोग पूरा फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट वन इज पॉइजन्स रेशियो. सो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो पॉइजन रेशियो. सो पॉइजन रेशियो क्या होता है? म्यू. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन. तो मैंने माइनस क्यों लिया है? ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया है कि माइनस क्यों ले रहा हूं. ठीक है, सो पॉइजन रेशियो जो हमेशा नेगेटिव होता है. सो इन ऑर्डर टू मेक इट पॉजिटिव, हम लोग ऑलरेडी यहां पर क्या ले रहे हैं? तो माइनस और जो भी माइनस वैल्यू आएंगी, माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. दैट्स व्हाई. सो लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या होता है? चेंज इन लैटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन. तो कौन सा लैटरल डायमेंशन चेंज हो रहा है यहां पे? थिकनेस, टी. तो चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस. और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो लैटरल स्ट्रेन में क्या क्या हो सकता है? तो लैटरल स्ट्रेन में लेंथ छोड़ के जितने भी पार्ट आएंगे, जितने भी डायमेंशन है, दैट कम्स अंडर लैटरल स्ट्रेन. ठीक है, जैसे कि चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी? अब आपको जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वो फॉर्मूला यूज़ कीजिए. बट लीनियर स्ट्रेन में लेंथ ही होगी, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल. लीनियर में सिर्फ लेंथ होगी, लैटरल में आपको जो डायमेंशन दिया हुआ है या फिर जो डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है वो आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ से पॉइजन्स रेशियो निकालेंगे हम लोग. माइनस चेंज इन थिकनेस देखो बेटा कितना है, 0.04. और मुझे बताइए ओरिजिनल थिकनेस कितनी है? अरे यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, ये एक स्क्वायर रॉड है और इस स्क्वायर रॉड में ये हो जाएंगी बेटा इसकी लेंथ. ये क्या है? लेंथ. ये क्या होंगी इसकी? विड्थ. ये क्या होंगी इसकी? थिकनेस. यस,
तो स्क्वायर अगर है तो विड्थ और थिकनेस दोनों सेम ही होगी, जैसे कि यहाँ पे 50 बाय, तो कितना होगा, विड्थ भी 50 होगी और थिकनेस भी 50 होगी। समझ में आया ना, आपको थिकनेस सेपरेटली दिया हुआ नहीं है, बट क्या बोला है, मेटर बार 50 बाय 50 mm। तो मेटल बार 50 बाय 50 mm, इट मीन्स ये दोनों भी डायमेंशन कितने हो जाएंगे आपके 50-50, विड्थ भी 50 और डेप्थ या फिर थिकनेस भी 50। लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम में, 200 mm गेज लेंथ। ओके, तो ओरिजिनल थिकनेस कितना है बेटा, 50 होल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना है बेटा, माइनस 0.5 और ओरिजिनल लेंथ कितना है, 200। तो देखते हैं हम लोग कितने लोग इसे करेक्टली कैलकुलेट कर पाते कैलसी में। चलो, एक स्टूडेंट ने आंसर बताया, मुझे देखना है सभी लोगों को कैलकुलेशन कैलसी पे करते आ रहा है या नहीं, ये देखना है मुझे। ठीक है, तो चलो कैलसी पे पुट करके बताओ पहले, बाद में लिखना बेटा। सो पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू कितना आ रहा है, सो पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू, सो 13% स्टूडेंट के आंसर आ रहे 0.35, 0.32, 93%, 0.36%। तो इनको एक पोल जाता है, जैसे आप मीडिया में देखते हो ना कितने परसेंट लोग, तो आप मीटिंग को ज्वाइन करके देखो, आपको पोल दिख रहा है एक, मीटिंग करके ज्वाइन करके देखो, मतलब कितने लोगों के आंसर क्या है ये भी समझ में आ रहा है। ज्वाइन करके देखो मीटिंग, और हमारे ऐप का अपडेट आया हुआ है, उसको आपको अपडेट करवाना है। देखो ज्वाइन किया कि मीटिंग सभी ने, तो देखो आपको पोल दिख रहा होगा, दिख रहा है पोल, आपको एक पोल दिख रहा है। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट लिख लो फास्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे हम लोग।
किसी ने ऐप ओपन किया क्या? एक मिनट बताइए बताइए बेटा मोबाइल। हाँ ओपन किया ना, ओपन है ना ऐप? किसके मोबाइल में ओपन है? तो देखिए इस तरह से पोल आता है, बंद कर, वॉइस भी देख सकते हो कितना क्लियर है। तो इस तरह से पोल आता है, तो देखो 83% स्टूडेंट लोगों ने 0.32 बोला है और 70% स्टूडेंट ने 3.2 बोला है। ओके उसके बाद में आप आपके रिव्यूज भी दे सकते हो, एंड सेकंड थिंग क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि देखो यहाँ पे शुभम का नाम आ रहा है, तो शुभम ने जो बोला है आई वॉन्ट टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, तो आप भी आपके राय यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे चैट सेक्शन है, यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आप लोग आपका फोटो लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आप लोगों को फ्री टेस्ट, तो यहाँ से आपको टेस्ट देना है और स्टूडेंट टेस्ट वॉल्यूम कम कर दो। हाँ सो स्टूडेंट जो टेस्टिमोनियल है यहाँ पे आपको आगे से टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल वीडियोज़ वगैरह कहाँ पे देखना है, तो ये देखो बैचेस में जाना है, बैचेस में जाने के बाद में आपको आपके बैच के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर देखो ओवरव्यू अटेंडेंस असाइनमेंट अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट में क्या अनाउंसमेंट है ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, टेस्ट यहाँ पे रहेगी, वीडियोस आप वीडियोस देख सकते हो, जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन में इतने फोल्डर्स बने हुए हैं, इस तरह से आप वीडियो देखना है। उसके बाद में लाइव क्लास, लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग है जो हमारे क्लास हुए हैं वो मत देखो, अच्छे रिकॉर्डिंग मैंने इधर डिजिटल व्यू में इधर अरेंज करके दिया हुआ है आपको। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यहाँ पे रहेंगे, नोट्स आपके स्टडी मटेरियल, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और देखो टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट आवर कोचिंग, दिख रहा है यहाँ पे टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट आवर कोचिंग, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है आपके रिव्यू दे सकते हो आप लोग, दिख रहा है आपको यहाँ पे स्टार दे सकते हो आप, प्रोसीड कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। तो यहाँ से अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, समथिंग नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप यहाँ से आपके रिव्यू दे सकते हो, लाइव क्लास का तो आपको पता है। तो ये शुभम का जो रिव्यू दिख रहा है ये सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग हमारे ऐप का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे नीचे भी वीडियोस आते हैं, अगर आप स्क्रॉल करते हो तो देख रहे हो यहाँ पे इलास्टिक कॉन्स्टेंट के वीडियो दिख रहे हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे भी वीडियोज़ अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप गो टू बैचेस करते हो तो सारे वीडियो दिखेंगे आपको। नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे रहते हैं, देखो नोटिस बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे अनाउंसमेंट रहते हैं, बैच टाइमिंग यहाँ पे होते हैं, शेयर ऑन व्हाट्सअप, आप हमारा ऐप आपके फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सअप पे भी शेयर कर सकते हो, ऐप की लिंक भी कॉपी कर सकते हो। ये स्टोर सेक्शन में देख सकते हो आप लोग, फिलहाल आपको बैचेस नहीं दिख रहे स्टोर सेक्शन में बिकॉज उसको मैंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। चैट, चैट में आप लोग मेरे साथ पर्सनली खुद बात कर सकते हो, मेरे ऊपर अगर क्लिक करते हो आप प्रणय लोखंडे के ऊपर, अगर आप सॉम मॉस पे क्लिक करते हो तो ये ग्रुप चैट हो जाएगा, आप ग्रुप चैट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी अटैचमेंट मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप की तरह, इमेज डॉक्यूमेंट कुछ भी, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स है, तो ये वन बाय वन मैं बताते रहूँगा, अपडेट कर लीजिएगा ऐप को, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, अभी नए नए फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हम लोग प्रॉब्लम की तरफ। तो पॉइजन्स रेशियो कितना आ रहा है? 0.32। किसी का नेगेटिव आ रहा है बिकॉज आपने ये माइनस साइन लिया हुआ नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। राइट ऑन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक दूसरा ऑप्शन भी था आपके पास में ई निकालने का, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू पी एल बाय ए, तो आपके पास में एरिया है, आपके पास में लोड अवेलेबल है, आपके पास में लेंथ अवेलेबल है, आपके पास में चेंज इन लेंथ अवेलेबल है,
तो यहां से क्या निकाल सकते हो आप, एक दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, ओके, राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ बार ऑफ 30 mm डायमीटर, अ बार BAR, अ बार ऑफ 30 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू, बार ऑफ 30 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 60 kN, ए पुल ऑफ 60 kN मेटल बार 30 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 60 kN। अब बताइए पॉजिटिव होंगे या निगेटिव, पुल दिया हुआ है, लास्ट टाइम आपको कंप्रेसिव लोड दिया था तो निगेटिव लिए, अब दिया है पुल, पुल मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, सो पुल मतलब टेंजाइल लोड पॉजिटिव, पुश मतलब कंप्रेसिव लोड निगेटिव। The measured extension on gauge length of the measured extension on gauge length of 200 mm is 0.09 mm. And change in diameter is zero point zero zero three nine. Full stop. Calculate Poisson's ratio. Calculate Poisson ratio and 3 moduli.